बुद्धि जानवर साए शरण में आएगा बाबरिया। अब तो बुद्धि जानवर साए शरण में आएगा बाबरिया। अब तो भीम जानवर साए शरण में आएगा बावरिया। और बुद्ध जान नाय तुमने पायो और वृथा जन्म गमायो। हाँ बुद्ध जान नाय बुद्ध ज्ञान नाय तुमने पायो वृथा जन्म गमायो। और बीती उमरिया और बीती सारी तुम्हारी उमरिया और बीती गई जा। अब तो भीम ज्ञान बरसाए शरण में आएगा बावरिया। अब तो भीम ज्ञान बरसाए और आएगा बावरिया शरण में आएगा बावरिया। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। इधर महाराज सुद्धोधन बैठे हुए दरबार बार कराए अनोखे अपने लाला महाराज। महाराज हाँ अपने बेटे के दर्शन करा दो। केवल दर्शन करने आया हूँ। नहीं महाराज मैं उसके दर्शन नहीं करा सकता हूँ क्योंकि वो अभी सो रहा है। अरे हाँ ऋषिराज हाँ महाराज हाँ बताओ। तुम जो महान पुरुष होते हैं वो सोने के लिए नहीं आते हैं। नहीं महाराज वो अभी सो रहे हैं। सो रहा है बच्चा। देखो मान जाओ जो महान पुरुष होते हैं वो जगाने के लिए आते हैं। देखो ये बच्चा जग रहा होगा। हाँ देखो तो चुप जा। हमने मने करी थी ऋषिराज आए उधम मचाए पर वैसे ही हमने आपसे आदेश दिया था नहीं दिया था। हाँ अरे मंत्री जी तो महाराज जा रहे हैं आज। महाराज मंत्री गए हैं और रानी से पुत्र को लिया है। सोलखी कांप उठे जन पाला कर तू कृपा प्रभु हरहु बसाला। हसाऊ प्रथम पुने रोवहुं जीवा कोई बताबहु का कर भीवा। महाराज सिद्धोधन कह रहे मुनिराज क्या बात है आप अभी हंस रहे थे रो रहे हैं। सिद्धोधन तब कही भेद सब सही ऋषि बतलाओ
नैनो से डर को नीर रे हाँ मैं तो समझाओ ऋषिराज बताओ बताओ क्या बात है आप पहले हंसे पर रो रहे हैं नैनो से डर को नीर रे हाँ मैं तो बतलाओ सब साधू रहे समझ आए कहे समझ आए सुनो तपनहारी सुनो तपनहारी सत तेरा है ये बोल रे सत्य क्यों सुत तेरा है ये बोल रे सातले तुम तो मानी राजन ये पुत्र कोई साधारण मानव नहीं है है सुनो हे राजन सुनो हस्तरेखा इस बच्चे की बतलाती है नाम बड़े दुखियों का हो गए साथी है ये ज्ञानमयी दीपक समझो महाराज ये ज्ञानमयी दीपक सुन लो सुना राजन ये संसार का कल्याण करने के लिए आया है ये मान साधारण नहीं है ये बुद्ध बनेगा बुद्ध राजन आज जैसी बात सुनी महाराज कहने लगे संत जी ये ना कहो 55 साल के बाद में बेटा जन्मा है आया है महलों में और आप क्या कह रहे हैं है? ऐसा ना कहो आज आंखों में आंसू आ गए सुन देवल ऋषि की बेन भरी